प्रदेश के प्रभारी श्रीमान अविनाश राय खन्ना जी, माननीय सांसद आदरणीय स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष देहात से श्री सही राम गुसाद जी, शहर अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी। किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, ये कांग्रेस का कुशासन था जिसने देश को आतंकवाद दिया, नक्सलवाद दिया, जिसने देश को अराजकता दी और जिसने देश के अंदर जवानों की शहादत का अपमान करते हुए इस देश के अंदर शासन सत्ता में यही अंतर होता है। कांग्रेस थी आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी है और आतंकवादियों को गोली से जवाब दिया जा रहा है। एक जो आतंकवादी भारत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, भारत के संविधान को नहीं, भारत का विभाजन करना चाहती है, भारत के निर्दोष नागरिकों पर हमला करता है, उस आतंकवादी के प्रति कांग्रेस की सहानुभूति दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उन पाग प्रस्त आतंकवादियों को बिरयानी नहीं गोली खिलाती है और गोली मार करके उनका काम तमाम करती है। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। इस देश के अंदर 55 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया लेकिन जनता को सड़क नहीं दिया, बिजली नहीं दी, पानी नहीं दिया, स्कूली शिक्षा की व्यवस्था नहीं किया, स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था नहीं किया, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिल सके इसके लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं किया, हमारे नौजवान को रोजगार मिल सके इसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं कर सकी। मोदी जी 2014 में देश में प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने सबसे पहला काम किया, हर गरीब का बैंक में खाता खुलवाया। कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं, नीचे 10 रुपया पहुंचता है। मित्रों, ये 90 रुपया कहां जाता था, एक कांग्रेस के दलाल हजम कर जाते थे, जनता उससे वंचित होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसीलिए हम सब आपसे कहने गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने रसोई गैस के निशुल्क कनेक्शन दिए, भारतीय जनता पार्टी आई निशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए, भारतीय जनता पार्टी आई हर गरीब को मकान देने का कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हर गरीब को निशुल्क शौचालय देने का कार्य किया। यह कार्य किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे लिए नारे नहीं, ये कार्य हमारे लिए नारे नहीं है, ये कार्य हमारे लिए इस देश के अंदर राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए है। भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना अयोध्या में नहीं, इस देश के वनों में किया था, हरिजनों के बीच में, गिरिजनों के बीच में, दंडकारण्य में उन्होंने राम राज्य की आधारशिला रखी थी और राम राज्य की आधारशिला का आधार ही था जहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा और भेदभाव से मुक्त एक शाश्वत व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने